कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेसी उम्मीदवार चुनाव मैदान में लोगों को रिझाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमीरपुर विधानसभा के कांग्रेसी उम्मीदवार कुलदीप पठानिया ने भी कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को जनता के लिए हितकारी बताया और नुक्कड़ सभाओं में घोषणा पत्र को जनता के सामने रखकर प्रचार किया जा रहा है। वहीं पठानिया ने कहा कि विधायक न होते हुए भी सरकार से करोड़ों रूपये के विकास कार्य हमीरपुर में करवाए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप पठानिया ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए राहत देने वाला और जनता भी घोषणा पत्र को सराह रही है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में बुजुर्ग से लेकर अनुबंध कर्मियों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा, जो कि सबसे बढ़िया है। कुलदीप पठानिया ने हमीरपुर के बड़ू, बरोहा, सुहाल, मोही में चुनाव प्रचार किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगे। मैं आज से 19 साल पहले बमसर क्षेत्र का जो विधायक रहा था, उस वक्त जो बमसर क्षेत्र की जो काले पानी की बात थी उसको दूर करने का मैं पूरा प्रयास किया। लगभग 5 पुल उस जंगल बैरी के एरिया में डाले। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत ज्यादा 45 स्कूल उस वक्त खोले थे, और हारने के बावजूद मैंने 2003 की जो हमारी सरकार बनी, 5 साल मुख्यमंत्री दुमर साहब खुद रहे, लेकिन उस इलाके की जो सदियों पुरानी पीने के पानी की स्कीम थी उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जब हमारी सरकार बनी और वीरभद्र सिंह के सामने ये लोगों की बिगड़ परिस्थितियों का जिक्र किया, तो उन्होंने उस वक्त मंजूर किया कि 1 साल के अंदर अंदर हमें इन इलाके को पीने का पानी की उपलब्धता कराऊंगा, और उन्होंने करवाई। 72 करोड़ की पहली कंप्यूटराइज स्कीम जो है वो बमसन मेवा क्षेत्र को दी, लगभग 218 गांवों को। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री का दौरा हमीरपुर जिले में हमीरपुर चुनाव क्षेत्र में हुआ, जिसमें मैंने लमरू को तहसील ली और पीने के पानी की एक और स्कीम जो इस लमरू क्षेत्र बोनी क्षेत्र के लिए मैंने ली, जो ब्यास दरिया से पानी उठ के इस इलाके को उपलब्ध कराया जाएगा। जहां तक घोषणा पत्र की बात है, हमारा घोषणा पत्र जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने जो पिछली बार जो विकास के कार्य किए हैं, जिसमें हर वर्ग को जिसकी राहत मिली है, चाहे वाटर गार्ड हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे पंचायत के प्रधान हो, या जिन कोई जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो 8 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था उसको 5 करके तीन में लगभग 40,000 लोगों की नौकरी पक्की हुई है। और अभी जो हमारा घोषणा पत्र हुआ उस कार्य को आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका घोषणा पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो हमने 2 वर्ष कर दिया, और जो जिन बुजुर्गों को 80 साल की उम्र के बाद 1250 रुपये पैसे मिलती थी, अब उनकी कम उम्र करके 75 साल के जब हो जाएंगे उसके बाद वो जो नीतिगत फैसला है वो उनके लिए 1500 रुपये जो है उनको पेंशन दी जाएगी, और मजदूर को 350 दिहाड़ी दी जाएगी, और इसी तरह किसान को जो 1,00,000 रुपया कर्ज जो बिना ब्याज से दिया है उसमें किसान को जो है बहुत राहत मिलेगी, और हमारी खेती बाड़ी से लोग जो विमुख हो रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी सी खबर है कि वो भी अपने खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान देंगे। इस तरह और बहुत सारे जो माननीय मुख्यमंत्री ने पेंशन कर्मचारियों को 2003 की पेंशन जो वाजपेयी की सरकार के वक्त बंद हुई थी उसको भी लागू करने का जो है अपने प्रबंधों से उसको उसकी भी घोषणा की। हमारा जो घोषणा पत्र है वो आने वाले कल की जो तस्वीर है, ऐसा लगता है कि हिमाचल जो है वो ना कि हिंदुस्तान में ना कि पहाड़ी राज्यों में, ऐसा लगता है कि इसकी जो विकास की गति है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, अपने आप में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मिसाल बन के कायम होगा। मैं जहां जहां भी जाता हूं, मैंने बरसों से कई बार पार्टी के लिए भी काम किया और अपने लिए भी वोट मांगे, क्षेत्र के लिए भी, विकास के लिए, लेकिन इस बारी पहली दफा जो लोगों का हमें साथ मिल रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है।